तेजस्वी यादव कल जन विश्वास यात्रा निकाले मुजफ्फरपुर में और वहां जनता को संबोधित करते हुए बोले कि हम दो मुख्यमंत्री के बेटे हैं और दो बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुझे सत्ता का लालच नहीं। ऐसा झूठ पच नहीं रहा है। दरअसल जब राष्ट्रीय जनता दल का कोई मंच लगता है, जो कोई कार्यक्रम होता है और मंच सजाया जाता है पटना में, तो उस मंच पर अगली कतार में कौन लोग होते हैं? पूरा का पूरा लालू परिवार का कुनबा होता है। तो एक तरह से ये परिवारवाद की पार्टी है, परिवार की पार्टी है, फैमिली एंड पार्टी है। ये कोई राजनीतिक दल भले इसका नाम दे दिया गया हो, लेकिन ये फैमिली एंड पार्टी है। एक ही परिवार का वर्चस्व है और बड़े बड़े पदों पर एक ही परिवार के लोग जाते हैं। जन सैलाब को देखते हुए ये भी हुंकार भरा कि NDA की पार्टी जो है वो विकास का नहीं, वो बिहार का विनाश के लिए पार्टी बना है। अभी दरअसल 15 साल पहले का अपना परिवार का शासन भूल गए। जिस माए बाप की बात हम कर रहे थे कि बाप की पार्टी है, माई की पार्टी है, तो इनके माता पिता 15 साल शासन कर चुके हैं बिहार में, और उस 15 साल के शासन काल के दौरान जो भय का शासन, आतंक का शासन था बिहार के अंदर, शाम के 5 बजे के बाद लोग घर से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझते थे। भय और डर से पूरा परिवार जीता था। अगर किसी परिवार का व्यक्ति अगर सुबह में घर से बाहर निकल गया, जब तक लौट के नहीं आता, पूरा परिवार संशय में रहता था, भय और आतंक के साए में रहता था। उस बिहार को भूल गए। रोजगार नाम की चीज नहीं थी, यदात कदात नहीं बिजली का खंभा दिखाई पड़ता था और बिजली के तारों पर कपड़े सुखाए जाते थे, वो था बिहार। और नीतीश कुमार आए तो भयमुक्त बिहार बना दिया, बिहार की तस्वीर और तकदीर बदल के बता दिया। पूरे दुनिया के लोग नीतीश कुमार को विकास पुरुष के रूप में जानते हैं। यूनाइटेड नेशन के लोग भी आए तो उन्होंने कहा कि ये क्लाइमेट लीडर है। दरअसल समाज में नीतीश कुमार जी ने अपना वो छाप छोड़ा है। एक अच्छा शासक होने के बावजूद भी उन्होंने एक अच्छा समाज सुधारक के रूप में अपने आप को दिखाया है। तो ऐसा मुख्यमंत्री बिहार में दुर्लभ कभी पैदा होगा। ये बिहार के अवतरित पुरुष हैं जिन्होंने बिहार के हर वर्ग, हर धर्म के लोगों के लिए, पूरे बिहार के आवाम के लिए, उनके सुख शांति के लिए लगातार दिन रात कठोर मेहनत करके काम करते रहते हैं, उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि जो शिक्षा का जो BPSC का जो रिजल्ट का जो TRE 2 का जो चल रहा है मामला, जिसपे BJP आवास के पास शिक्षकों के ऊपर जो डंडा बरसाया गया, वो क्या शिक्षकों का सम्मान में कहीं पे ठीक है? नीतीश कुमार जी शिक्षकों के लिए जो किया है एक नया इतिहास बना है। आपको मालूम होना चाहिए कि 1500 पर इन लोगों की बहाली हुई थी, जिन शिक्षकों की, आज वो कितना रुपया ले रहे हैं और उनको भी पूर्णतः अब सरकारी दर्जा भी मिल रहा है। तो नीतीश कुमार जी का प्रयास है, नीतीश कुमार जी का संकल्प है। वैसे बच्चे जो गांव के सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं उनके लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं है शिक्षा के लिए, तो वैसे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा उनको मिले, अच्छी तालीम मिले, इसके लिए वो प्रयासरत हैं और इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। और अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे शिक्षकों की भी जरूरत है और अच्छे शिक्षक के लिए भी वो काम कर रहे हैं। देख रहे हैं कि BPSC से लगातार बहाली चल रही है, फिर अभी तीसरे फेज की बहाली के लिए जो है वैकेंसी हो चुकी है, फिर अगस्त में चौथे चरण की भी बहाली हो जाएगी। तो इस तरह से लगातार नीतीश कुमार जी का ये प्रयास है कि विद्यालय में पठन पाठन की स्थिति बेहतर हो, अच्छे क्वालिटी की शिक्षा बच्चों को मिले, तो अच्छे क्वालिटी के शिक्षक भी होना जरूरी है और अच्छा माहौल भी होना जरूरी है। इसलिए उन्होंने शिक्षकों को अच्छी सुविधाएं देने का काम किया है, अच्छा वेतन देने का काम किया है। नीतीश कुमार जी की
ये मंशा नहीं है कि किसी तरह की कठिनाई शिक्षकों के साथ हो या बच्चों के साथ। सदन की कार्यवाही को छोड़कर तेजस्वी बाहर में जनता से मिलने निकले हैं। यही समझिए कि वो एक जनप्रतिनिधि होकर जब सदन चल रहा है, इतना कीमती वक्त है, तो सदन में न जा करके ये हवा में घूम रहे हैं। और जब जब चुनाव नजदीक आता है इनको यात्रा सूझने लगता है। अभी महत्वपूर्ण समय था सदन में, इनको सदन में अपनी बातें रखनी चाहिए। वो अगर जनता के हित में अगर सोचते हैं, जनता की भलाई अगर चाहते, तो सदन में रहते और आप अपनी आवाज़ को बुलंद करते। इससे भाग करके वो इधर उधर अपनी लंबी चौड़ी भाषण देने के लिए जन विश्वास यात्रा के नाम पर यात्रा कर रहे हैं। दरअसल जन विश्वास यात्रा नहीं है, ये संपत्ति बचाओ विश्वास यात्रा है। और हमको, हम विश्वास करते हैं, हम आशा करते हैं कि ये विश्वास यात्रा के दौरान ये अपने संपत्तियों का भी खुलासा करेंगे। 17 महीना का ही जांच क्यों, 19 वर्षों का कार्यकाल नीतीश सरकार का क्यों नहीं होगी? अरे नीतीश कुमार जी तो बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है, हर क्षेत्रों में अच्छी तरक्की की है, बिहार के को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है, जो अपमानित बिहार था उसको सम्मानित बिहार बनाने का काम किया है, बिहार जो बीमारू बिहार कहा जाता था उसको एक स्वच्छ बिहार, विकसित बिहार बनाने का काम किया है। नीतीश कुमार जी विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं पूरे दुनिया में। तीन मार्च को गांधी मैदान में महारैली आयोजन किया जा रहा है महागठबंधन। ये हमेशा वो कह रहे हैं इस सभा को देखकर एनडीए वाला डर जाएंगे और एक भी सीट का उम्मीद छोड़ देंगे। 2019 में इनका बिहार में लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खुला था आरजेडी का, एक सीट कांग्रेस को मिली थी। इस बार जो भी कांग्रेस को एक सीट मिली थी वो भी सीट हाथ से चली जाएगी कांग्रेस की, और इनका खाता नहीं खुला था और इस बार भी खाता नहीं खुलेगा। 40 की 40 सीटें एनडीए के हाथों में होगी।